मोदी नेतृत्व में भारत तेजी से आर्थिक रूप से समृद्ध और सुरक्षा के लिहाज से बेहद सशक्त हुआ है। इसकी बड़ी वजह है मोदी सरकार देश के जल, थल और वायु सेना को आधुनिक हथियारों व सुरक्षा के हर प्रकार के आधुनिक सामाने मुहैया करा रही है। भारत और रूस के बीच हाल ही में रक्षा सौदों से जुड़ी एक और बड़ी डील हुई है। भारत रूस से एंटी टैंक मिसाइल स्ट्रम अटाका खरीदने जा रहा है। इसके लिए दोनों देशों के बीच 200 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। मिसाइल को Mi-35 हेलीकॉप्टर में लगाया जाएगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक आपातकालीन नियमों के तहत रूस से एंटी टैंक मिसाइल के लिए डील हुई है, जिसके अंतर्गत समझौते के 3 महीने के भीतर ही मिसाइलों की सप्लाई की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक एंटी मिसाइल को युद्धक Mi-35 में लगाए जाने से दुश्मनों के टैंक और अन्य हथियारों से निपटने की क्षमता हासिल हो जाएगी। Mi-35 भारतीय वायुसेना का अटैकिंग हेलीकॉप्टर है। इसे अमेरिका के अपाचे की जगह लाया जाएगा। भारत लंबे समय से रूस से मिसाइलें खरीदना चाहता था, लेकिन एक दशक से ज्यादा समय से यह मामला अटका हुआ था। पिछले हफ्ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में आपातकालीन प्रावधानों के तहत तीनों सेनाओं की ओर से की जाने वाली खरीदारी के बारे में एक प्रेजेंटेशन हुआ, जिसमें आपातकालीन प्रावधानों का इस्तेमाल कर हथियार खरीदने में भारतीय वायुसेना आगे रही। सरकारी सूत्रों के मुताबिक तुरंत युद्ध की स्थिति के मद्देनजर आपातकालीन प्रावधान के तहत वायुसेना ने कई देशों के साथ स्पाइस 2000 स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम और कई स्पेयर और एयर टू एयर मिसाइल की डील की है।